उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की पहुंचकर ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद पुष्कर सिंह धामी भगवान भोलेनाथ की ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रार्थना करने पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम धामी ने साधु संतों से भी भेंट की और निर्मल अखाड़े की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने संतों को समस्याओं को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हरिद्वार से हर्ष तिवारी की रिपोर्ट। आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, उसके बाद यहाँ के सभी अखाड़ों के आश्रमों के वरिष्ठ संतों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया गया कि कांवड़ मेला जो आने वाला है अभी श्रावण में, वो सहकुशल संपन्न हो और इस राज्य की व्यवस्था आपके नेतृत्व में सहकुशल चलते उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इन्हीं आशीर्वादों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे। महाराज ये ज्ञापन भी दिया है साथ ही, उसके विषय में थोड़ा चर्चा हम लोगों ने किया और मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप में दिया गया। मुख्यमंत्री जी का जो पॉजिटिव होगा वो हम